बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन माय स्पाइसेस के साथ आज मैं नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं बनाऊंगी वनीला स्पंज केक। बनाना है बहुत आसान, बहुत मज़े का बनता है। फैमिली की रिक्वेस्ट थी कि आज केक बनाया जाए और खाया जाए, मैंने सोचा चलो आपके साथ ये रेसिपी शेयर की जाए। 500 ग्राम मैंने सेल्फ फ्रेजिंग फ्लावर लिया, 500 ग्राम मैंने शुगर ली, 4 टेबल स्पून भर कर मैंने आलमंड पाउडर कर लिया। हस्बैंड जरूरत मैं मिल्क का इस्तेमाल करूंगी, 500 ग्राम सॉफ्ट मार्जिन लिया, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करूंगी, 2 टेबल स्पून वनीला एसेंस का इस्तेमाल करूंगी, 10 अदद मैंने लार्ज एग लिए हैं। सबसे पहले हम बटर और मार्जिन को बीट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले शुगर डालेंगे, मार्जिन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मार्जिन और शुगर को हम इतना बीट करेंगे कि यकजा हो जाए। ब्लेंडर की मदद से मार्जिन और शुगर को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब हम इसमें अंडे शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम अंडे डालकर इसको खूब और मजीद 5 मिनट मिक्सिंग करेंगे। मार्जिन, एग्स, शुगर को हमें अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब हम इसमें आलमंड पाउडर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 2 टेबल स्पून वनीला एसेंस के, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, 2 टेबल स्पून मिल्क के, 500 ग्राम सेल्फ फ्रेजिंग फ्लावर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टेबलस्पून पहले मैंने मिल्क के डाले, अब 2 टेबलस्पून और डालूंगी। तकरीबन हम इसको 5 मिनट और मजीद मिक्स करेंगे ताकि तमाम का तमाम अमेजा यकजा हो जाए। दिन में हमने फॉइल लगाया है, अगर आपके पास बटर पेपर है तो वो लगा लें। इर्द गिर्द हमने इसके मार्जिन लगाया है ताकि बेक करते वक्त केक इसके साथ स्टिक ना हो। अभी हम इस तरह डाल देंगे दोनों टिन में। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा हमारा तैयार हो चुका है, हमने दोनों टिन में डाल दिया है। अब हम इसको तकरीबन 35 मिनट से 45 मिनट अवन में रख के इसको बेक करेंगे, फिर हम आपको दिखाएँगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वनीला स्पंज केक हमारा तैयार है। अब हम इसको काट कर आपको दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वनीला स्पंज केक हमारा बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी तैयार हुआ है। अगर ये हमारी रेसिपी आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक का बटन भी दबा दें, फ्रेंड और फैमिली में शेयर भी कर दें, पास से पहला कन का बटन उसको भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली रेसिपी आपको आसानी से मिल सके, और एक अच्छा सा कमेंट करके भी बताएं मेरी रेसिपी आपको कैसे लगे। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपने आसपास का ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। आइंदा मैं मिलूंगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।